सो गाइस, रिसेंटली ना काफी सारे न्यू सर्वाइवल गेम लॉन्च हुए हैं, बट दिक्कत वाली बात ये है कि सारे के सारे गेम्स ऑनलाइन है। रियलिटी ये है कि आजकल के डेवलपर्स ऑफलाइन गेम्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते एज कम्पेयर टू ऑनलाइन गेम्स। सो गाइस डोंट वरी, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा कमाल के A1 सर्वाइवल गेम्स की बात करेंगे, जहां पर आपको टॉप नॉच ग्राफिक्स क्वालिटी और कमाल का सर्वाइवल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। जहरीली बात तो ये है कि आज वाली सीरीज के अंदर गेम का जो साइज है वो भी काफी कम होगा, और मैटर नहीं करता तुम्हारे पास में 2GB रैम का स्मार्टफोन है या फिर 8GB रैम का, आप सभी लोग गेम्स को आराम से खेल सकते हो। अगर आप लोगों ने चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया है, मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हो, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि यहां पर आपको वो ही गेम सीखने को मिलेंगे जो कि आप लोग को एक्चुअल में पसंद है। तो सब्सक्राइब कर दो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। इस वाली वीडियो को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी से हम लोग अपनी वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं सीरीज में आने वाले नंबर 1 सर्वाइवल गेम। तो गाइस हमारे सीरीज में आने वाला नंबर 1 गेम है लास्ट पायरेट सर्वाइवल आइलैंड। लास्ट मंथ ही इस वाले गेम के अंदर एक न्यू अपडेट आया था, जहां पर डेवलपर्स ने काफी सारे चेंजेस किए हैं गेम के अंदर, जिसके बाद में ये वाला गेम और भी ज्यादा मस्त हो गया है। बेसिकली ये एक एक्शन एडवेंचर गेम है, जहां पर आपको एज अ पायरेट इस ओपन वर्ल्ड आइलैंड के ऊपर सर्वाइव करना होगा। ये आइलैंड भरा हुआ है खतरनाक जानवर, सी मॉन्स्टर्स एंड ज़ॉम्बीज से। अगर आप लोग इनसे बच जाते हो तो आपका सामना होगा गॉडज़िला से। यहां पर आपको सर्वाइव करने के लिए शेल्टर बनाना होगा, वेपन्स क्राफ्ट करने होंगे एंड आप लोग फिशिंग भी कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको अपने लिए एक राफ्ट बनानी पड़ेगी। इस गेम के अंदर आपको ब्यूटीफुल लोकेशंस एंड ओपन वर्ल्ड मैप एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। साइज के अकॉर्डिंग गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी मेरे को तो काफी पसंद आई। वैसे प्ले स्टोर के ऊपर इस वाले गेम को काफी अच्छी रेटिंग मिली है, तो आप लोग बिना किसी टेंशन के इस वाले गेम को ट्राई कर सकते हो। रही बात इस वाले गेम के डाउनलोडिंग साइज की, तो फिर वो आपको देखने को मिलेगा 188 MB एंड ये वाला गेम टोटली ऑफलाइन है। वीडियो में आने वाले सभी गेम्स का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर सभी गेम्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर से हम लोग अपनी वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीरीज में आने वाले नंबर 2 गेम। सो गाइस हमारी सीरीज में आने वाला सेकंड गेम है एस्केप फ्रॉम चेर्नोबिल। सो गाइस बेसिकली ये वाला गेम थोड़ा सा पुराना है, बट बिलीव मी ये वाला गेम बहुत ही ज्यादा तगड़े लेवल का होगा। दरअसल बात ये है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो रेडिएशन फैला है उसके चलते काफी सारे लोग खतरनाक मॉन्स्टर्स एंड ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो चुके हैं, जिनसे कि आपको सर्वाइव करना होगा। स्टोरी के अंदर आपको एक फैमिली के बारे में बताया गया है, जिसमें कि लोरैन मेन कैरेक्टर है, जिसके साथ में कुछ ना कुछ गलत हुआ है, तो उसके बारे में आप लोग को पता लगाना होगा। एनिमीज को मारने के लिए आपके पास में वाइड रेंज वाले मिली एंड फायर वेपन्स होंगे एंड वैसे इतने से काम नहीं बनेगा, तो आप लोगों को अपनी अलग से स्ट्रेटजीज बनानी होगी। इस गेम के अंदर ना बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि अभी भी एक मिस्ट्री है, जिन्हें कि आप लोगों को अनरिवील करना होगा। इस वाले गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी और साउंड ट्रैक दोनों ही काफी जबरदस्त है, तो आप लोग ईयरफोन्स या फिर हेडफोन का इस्तेमाल जरूर से करना अगर है तो, वरना कोई बात नहीं। रही बात इस वाले गेम के डाउनलोडिंग साइज की, तो फिर वो आपको देखने को मिलेगा 1.2GB एंड ये वाला गेम टोटली ऑफलाइन है। प्ले स्टोर के ऊपर इस वाले गेम का ओल्डर वर्जन अवेलेबल है, जो कि आप लोगों के फोन में नहीं चलेगा, इसलिए आप लोग थर्ड पार्टी वेबसाइट्स की हेल्प ले लेना। तो यहाँ पर से हम लोग अपनी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वीडियो में आने वाले नंबर 3 गेम की। तो गाइस हमारी सीरीज में आने वाला थर्ड गेम है राफ्ट सर्वाइवल मल्टीप्लेयर। सो गाइस ये एक कॉम्पिटिटिव मल्टीप्लेयर सर्वाइवल सिमुलेशन गेम है, जिसका अर्ली एक्सेस आप लोग को प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा। बेसिकली इस गेम के अंदर आपका प्लेन क्रैश हो जाता है ओशन के ठीक बीचों बीच, जो कि एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है। क्रैश लैंडिंग के बाद में आपकी आंखें खुलती है एक राफ्ट के ऊपर, जहां पर आपकी सर्वाइविंग जर्नी स्टार्ट होगी। सो गाइस आपको एक राफ्ट के ऊपर ही अपना शेल्टर बनाना होगा, रिसोर्सेस इकट्ठा करने होंगे, सी एनिमल्स एंड क्रिएचर से बचने के लिए आप लोग को वेपन्स एंड आर्मर्स भी क्राफ्ट करने होंगे। कमाल की बात तो ये है कि आप लोग इस वाले गेम को मल्टीप्लेयर खेल सकते हो, बट आप लोग का इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना जरूरी है। गेम की विजुअल और टेक्सचर क्वालिटी दोनों ही आप लोग को एकदम टॉप नॉच देखने को मिलेगी। रही बात इस वाले गेम के डाउनलोडिंग साइज की, तो फिर वो आपको देखने को मिलेगा 121 MB एंड ये वाला गेम ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही मोड के अंदर इजिली चल जाएगा। सो गाइस अगर आप लोगों ने इस वाले वीडियो को यहाँ तक देख लिया एंड आपको ये वाली सीरीज पसंद आ रही है, तो मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूँ कि आपको ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि आप लोग को ऐसे अमेजिंग वीडियोस हमेशा देखने को मिलती रहे। तो यहाँ पर से हम लोग अपनी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वीडियो में आने वाले नंबर 4 गेम की।
सो गाइस हमारी सीरीज में आने वाला फोर्थ गेम है डार्क रिडल 3। सो गाइस ये एक न्यू एडवेंचर सर्वाइवल गेम है जो कि आप लोगों को प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा। इस वाले गेम का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आप एक ऐसी सिटी के अंदर हो जिसके अंदर बुज नाम का एक प्रोफेसर अपनी असिस्टेंट ग्लोरिया के साथ में मिलकर फालतू के इन्वेंशन करते हैं और ये दोनों शहर के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा है। सो गाइस आपको ऐसा हीरो इस वाले गेम को प्ले करना होगा जहाँ पर आपका काम होगा सिटी को एक्सप्लोर करना एंड जबरदस्त वाले पजल को सॉल्व करना और डॉक्टर बुज के खुरापाती प्लान का पता लगाना। गेम में आपको काफी सारे मिशंस भी कंप्लीट करने होंगे एंड यहाँ पर आपको और भी काफी सारी खतरनाक चीजें देखने को मिलेगी जिनसे कि आपको सर्वाइव करना होगा। अगर हम लोग बात करें ग्राफिक्स क्वालिटी की तो वो आप लोगों को डिसेंट लेवल की देखने को मिल जाएगी, लेकिन गेम को खेलने में बहुत ही ज्यादा मजे आते हैं तो डिसेंट लेवल की ग्राफिक्स क्वालिटी भी आराम से चल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। रही बात इस वाले गेम के डाउनलोडिंग साइज की तो फिर वो आपको देखने को मिलेगा 585 MB एंड ये वाला गेम भी टोटली ऑफलाइन है। तो यहाँ पर से हम लोग अपनी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वीडियो में आने वाले नंबर 5 गेम की। सो गाइस हमारी सीरीज में आने वाला पांचवा और आखिरी गेम है जॉम्बी एपोकलिप्स। सो अगर आप लोग एक जॉम्बी शूटिंग गेम की तलाश में थे तो ये वाला गेम सिर्फ आपके लिए। यहाँ पर आपको पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड देखने को मिल जाएगा एंड ये एक फर्स्ट पर्सन टैक्टिकल शूटिंग गेम है। स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग आप एक शहर में हो जहाँ पर एक वायरस के चलते सभी लोग जॉम्बीज के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन पूरी तरीके से खतरे में है और आप चुनिंदे सर्वाइवर्स में से एक हो जिसका काम है जॉम्बीज को मारना और ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म होने से बचाना। जॉम्बीज को मारने के लिए आपके में डिफरेंट वेपन होंगे जिन्हें कि आप लोग अपग्रेड करके और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हो। स्टार्टिंग के लेवल तो आप लोग इजीली क्लियर कर लोगे बट जैसे जैसे आप लोग गेम के अंदर आगे बढ़ोगे तो लेवल और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे, इसलिए आप लोग को अपनी स्ट्रेटेजीज बनानी होंगी। रही बात इस वाले गेम की डाउनलोडिंग साइज की तो फिर वो आपको देखने को मिलेगा 210 MB एंड ये वाला गेम सभी गेम्स की तरह टोटली ऑफलाइन है। सो गाइस यहाँ पर मैंने आप लोगों को पांचों के पांच ऑफलाइन सर्वाइवल गेम बता दिए हैं जिन्हें कि आप लोग इजीली डाउनलोड करके अपने फोन के अंदर खेल सकते हो। तो अगर आप लोगों को इस वाली सीरीज में से एक भी गेम पसंद आया हो तो आप लोग अभी जाकर वीडियो को लाइक कर दो। फ्यूचर में ऐसी कमाल की और भी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन देखने को मिलती रहे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था सभी गेम्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, तो जाकर चेकआउट कर लेना। आप लोग देखते रहो कैपिटल गेमर 7। मैं आपसे किसी ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के अंदर दोबारा मिलता हूँ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।